아무튼 괜찮아 괜찮아 क्या नाम है तुम्हारा? अजय। अजय क्या क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे? पास मिट्टी का आइटम है सब। जैसे चीनी मिट्टी का और मिट्टी का आइटम सब है सर। जैसे क्या क्या बताओगे उसके बारे में? गमला ले जाओ, पॉट ले जाओ। तो ये प्लांटर्स हैं? प्लांटर ले जाओ। ये दीज आर ब्यूटीफुल प्लांटर्स जो कि काफी बड़े साइज में है ना। बड़े साइज है, बड़े साइज के प्लांटर्स हैं और उसके पीछे और बड़े भी साइज के प्लांटर्स हैं। और नीचे छोटे साइज है। ये उससे छोटे साइज का प्लांटर्स है, मीडियम साइज है और ये बहुत छोटे हैं। ये छोटे प्लांट्स के लिए है, ये सीजन प्लांट्स लग सकते हैं इनमें, है ना? बिल्कुल। और ये एवरग्रीन के लिए हैं। ये देखो सी। और ये आपके पास ग्रीन कलर के हैं, किसी भी तरह का घर में डेकोरेशन हो उसको मैच करते हैं। अच्छा, और ये आउटडोर इंडोर दोनों में रखे जा सकते हैं, है ना सर? बिल्कुल। ये शायद गार्डन एक्सेसरी, ग्रास में रखने के लिए, घास में रखने के लिए रहती है। अच्छा, ये घास में रखने की एक्सेसरीज हैं। इसके अंदर आप प्लांट रखते हैं, इसको बाहर भी रख सकते हैं, है ना? ये क्या है छोटा छोटा? ये शायद ये हांडी होती है, इसमें दही वही जमाने के लिए, चारों चार धरने के लिए। अच्छा, कुछ भी रख सकते हो, चीनी वीनी कुछ भी रखवाए। ओके, ये कितने का होता होगा लगभग? ये लगभग 60 रुपए का होता है जी। एक और माइक्रोवेव में रख सकते हैं इसको? ओ बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर अचार रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, है ना, रखने के लिए। अच्छा, और अजय ये क्या है बहुत बड़ा मर्तबान जैसा, अचार डालने के लिए? ये चार दानी बड़ी वाली। अच्छा, कितने किलो का है इसमें आ जाता है माल? 12 लीटर है। अच्छा, 12 लीटर के हिसाब से है ये अचार डालने के लिए बहुत बेहतरीन है। और ये डिफ्यूजर लग रहा है मुझे ऑयल का। कैंडल है जी। अच्छा, इसमें आप जो है यहाँ पे ऑयल डाल देते हैं? हाँ, और यहाँ कैंडल लगा देते हैं? नीचे दिया लगा दो, कैंडल लगा दो, कुछ भी लगा, टी लाइट कैंडल लगा सकते हैं। ये कितने का है? ये भी सर 120 का होता है, ये 100 रुपए का भी होता है। अच्छा, 100 और 120 रुपए का। इसकी हाइट लगभग 3 इंच है। और ये भी डिफ्यूजर है। ये कितने का है, ये जो आपने इसका रेट नहीं बताया? ये वाला जी, ये वाला 1200 का, 1000 का चला जाता है। 1000-1200 का मिल जाता है, ठीक है। और एयर टाइट हो जाता है इसमें? डस्ट वगैरह नहीं जाती, धूल मिट्टी इसमें नहीं जाएगी। ओके, और ये है मसाला पीसने का छोटा सा, ये मसाला, दवाई वाई, दवाई कुछ भी पीस। अच्छा, ओके। और ये फ्लावर वेस है, ये भी फ्लावर वेस है। ये कितने का है? ये वाला जी, ये 160 का जोड़ा है सर। 60 का दो है, मतलब 80 रुपए का एक मिल जाएगा सिंगल में आप लेंगे तो। ये भी एक तरह का फ्लावर वेस है जो लगभग सेम रेंज में है, हल्का रेंज है सर, ज्यादा नहीं है। अच्छा, इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ब्यूटिफुल, कलरफुल। आई थिंक दिस विल मैच विद योर कलर्स, वॉट एवर कलर यू हैव एट होम, किसी भी तरह का इंटीरियर हो उसको मैच हो जाएगा ये। और ये बहुत सारे पेस्टल शेड्स हैं, दीज आर परफेक्टली सूटेबल फॉर इंडोर एंड आउटडोर बोथ। ये बाहर भी रख सकते हैं इनको, अंदर भी रख सकते हैं, है ना? और ये बड़े प्लांटर्स भी हैं इनके पास, ये डेकोरेटेड है। एक मिनट। अच्छा अजय, ये कितने का है जो देख रहे हैं एलिफेंट जो बाहर? ये वाला सर? हाँ, ये वाला सर आपको 220 का पड़ेगा। 220 का। और ये कितने का एलिफेंट? ये वाला, ये वाला भी इतना ही रेट है, 220। अच्छा, दिस इज वेरी नाइस। ये 160 रुपए का है, इस ब्लू कलर का 160 का डक है। ये इसमें छोटा सा प्लांट रख सकते हैं और गार्डन में रख सकते हैं जी। ये बोनसाई के लिए प्लांटर है। ये कितने का है? ये कितने का है बोनसाई प्लांटर? ये सर 190 रुपए का। अच्छा, ये मनी बॉक्स है ना, पैसे डालने का? हाँ जी, हाँ जी। बच्चों के लिए है ना? बच्चों के लिए। अच्छा, और इसमें से निकलता है इधर से, नीचे से। ऑल राइट, जो छोटे बच्चों का गुल्लक होता है वो क्या एस्ट्रे है? ये भी प्लांटर है एक तरह का। ये कितने का है? 100 रुपए। 100 रुपए का है। अच्छा, नाउ आई कैन सी समथिंग मेड आउट ऑफ टेराकोटा। टेराकोटा का देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है? ये बोनसाई के लिए है। अच्छा, इसमें बोनसाई बना सकते हैं छोटा सा? बिल्कुल जी। इसका साइज लगभग 8 इंच बाय 2 इंच है, 8 इंच 3 इंच चौड़ाई है, 8 और 3 का है ये। ये कितने का है अजय? ये सर 120 रुपए। ये 120 रुपए का है, बोनसाई के लिए परफेक्ट है ये मेरे ख्याल से, है ना? पकड़िए, ये कितने का है? ये वाला नहीं, नहीं, जो बोनसाई के लिए बताया अभी, ये 120। 120 रुपए, जस्ट फॉर 120 रुपीज। एंड देयर आर फ्यू मोर पॉट्स बोनसाई के लिए। अच्छा, ये मिट्टी के कुछ हैं आपके पास कलेक्शन, है ना? देखिए, पानी से गलता नहीं है? नहीं, ये पानी में नहीं पिघलता ज्यादा। अच्छा, हुआ होता है ये। ओके, पका हुआ है ये, पेंटिंग है। ओके ओके, ये भी एक्सेसरीज की तरह यूज हो जाते हैं छोटे छोटे, है ना?
ये है, देर इज अ स्टैचू ऑफ राधा एंड कृष्णा, देन आई कैन सी लाफिंग बुद्धा, आई कैन सी लेडी, दिस इज अ गार्डन, मोस्ट सूटेबल फॉर योर गार्डन इफ यू हैव लॉन्स, इफ योर गार्डन, ये उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, तो है ना, उसको भी ये सब आउटडोर में रखने के लिए है ना। कुछ लोग हालांकि इसको इंडोर में भी रख लेते हैं, है ना, कहीं भी रख सकते। ऑल राइट, ठीक है, तो ये जगह कहाँ पे, जरा इसके बारे में बता दो मुझे। ये साईं धाम, ओमैक्स साईं धाम। हाँ जी, ये है ओमैक्स साईं धाम, ओमैक्स साईं धाम। अच्छा, यहाँ से कुछ चल रहा है शिफ्टिंग का प्लान, कब तक है आप यहाँ पे वैसे? हम तो वैसे काफी दिन के लिए हैं, पर कमेटी वाले आएंगे तो फिर कहने का चाहिए। अच्छा अच्छा, अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, जगह का क्या नाम है? ये जी ओमैक्स, 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 ओके। अच्छा चलिए ठीक है, आप इसमें अपना नंबर बोल दीजिए, बाई चांस कोई आपको मिलना चाहे, आना चाहे तो बोल दीजिए आप नंबर। 8059 यानी कि 80 8059 यानी 59 8059 596 13 ठीक है, मैं करेक्ट करके नीचे लिख भी दूंगा। ओके, थैंक यू अजय। ओके सर।